आपको विस्तार से देखेंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित कार्यक्रम, सुबह 10 बजे जयपुर से सीकर रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। सुबह 11 बजे सीकर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। सुबह 11:45 पर प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का नामांकन दाखिल कार्यक्रम है और जनसभा है। दोपहर 12:55 पर सीकर से नागौर रवाना होंगे सीएम भजनलाल। दोपहर 1:35 पर नागौर पहुंचेंगे भजनलाल शर्मा। दोपहर 1:45 पर प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का नामांकन दाखिल कार्यक्रम और जनसभा है और अपराह्न 3 बजे नागौर से जयपुर रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री के आज के कार्यक्रम। अब लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए कम दिनों का वक्त शेष है और नामांकन भी 27 मार्च तक ही भरे जा रहे हैं। और इसी बीच जब सूचियां सामने आ रही हैं पार्टी की ओर से, उसके बाद ये बागडोर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई है, क्योंकि संगठन के एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर गिनती और लंबे समय तक संगठन में कार्य करने का अनुभव है। मुख्यमंत्री के पद पर वो हैं और ऐसे में ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जातिगत समीकरणों के लिहाज से भी और सभी क्लस्टर में पहुंच करके मुख्यमंत्री ने जनसभाएं भी की थी और अब प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री की रैली। तूफानी चुनावी दौरे पर रहेंगे, कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी दौरे के दौरान पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी की जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए और खास तौर पर फोकस रहेगा उन फैसलों पर जो कि भजनलाल सरकार बनने के बाद लिए गए हैं। 100 दिन के कार्यकाल के दौरान के फैसले, चाहे ERCP की बात हो या फिर टाचेवाला हेडवर्क्स का मामला हो, इसके अलावा पेपर लीक को लेकर के SIT के गठन की बात हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की बात, इन सभी बिंदुओं को पार्टी जनता के बीच पहुंच करके गिनाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज चुनावी दौरे की शुरुआत करेंगे सीकर, जहां नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे। सीकर से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर कमान सौंपी है, फिर भरोसा जताया है उनके ऊपर, तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके समर्थन में जनसभा करें। और चूंकि एक बार फिर भरोसा जताया गया है, ऐसे में अगर प्रत्याशी के संबंध में अगर कुछ भी ठीक न मिले तो फिर उसे भी कवर किया जाए। सहयोगी हुकुम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं सीकर से। हुकुम सिंह जी, जानकारी दीजिएगा, चुनावी दौरे की शुरुआत हो रही है और शुरुआत हो रही है सीकर से, अब कितना महत्वपूर्ण है सुमेधानंद सरस्वती की जनसभा में पहुंचना, कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सीकर, आज जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो सबसे पहले सीकर आएंगे, उसके बाद में नागौर जाएंगे। सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के नामांकन जो सभा है रामलीला मैदान में जी, मुख्य वक्ता कहें और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में सीएम भजनलाल शर्मा आ रहे हैं। और चूंकि चुनावी लोकसभा का दौर प्रारंभ हो रहा है, तो इस दृष्टिकोण में पहले चरण में राजस्थान में 19 अप्रैल को चुनाव है। सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान के चुनावी कैंपेनिंग में सबसे मुख्य चेहरे के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में है और अपने तमाम जो लगातार 2 बार से राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही है, उसको तीसरी बार ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भजनलाल शर्मा की है। और भजनलाल शर्मा अपने तमाम योजनाओं के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ में, इन 25 के 25 जो सीटों का लक्ष्य है उसे प्राप्ति के लिए आज सबसे पहले सीकर पहुंचे, उसके बाद नागौर जाएंगे। हुकुम सिंह जी, क्योंकि ये तो आपने बताया कि महत्वपूर्ण कैसे है, लेकिन आप चाहेंगे कि उन कार्यक्रमों को भी बताएं जिनमें शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। जयपुर से सीकर आने के बाद में रामलीला मैदान में नामांकन सभा है, जहां पर उनके साथ में डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रहेंगे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूंजा के साथ में सीकर लोकसभा प्रभारी गौतम दक्क रहेंगे। सांसद सुमेधानंद सरस्वती यहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ में सीएम भजनलाल शर्मा को संबोधन को सुनने के बाद में कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ से नागौर पहुंचेंगे, जहां पर ज्योति मिर्धा है जो नामांकन आज भरने जा रहे हैं, उनमें भी नामांकन सभा को वहां संबोधित करेंगे। ठीक है हुकुम सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।